दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम एक बार फिर सुर्खियों में हैं और ताज़ा मामला केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल से जुड़ा है। अब की बार हिजाब को लेकर दोनों पक्षों के बीच ट्विटर वार हुआ है। दरअसल गुरुवार को विजय गोयल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इंडिया आर्ट फेस्टिवल की एक पेंटिंग का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था। उस पेंटिंग में सलाखों में कैद एक महिला की तस्वीर थी, जिस पर गोयल ने ज़ायरा को टैग करते हुए ट्वीट किया कि यह पेंटिंग ज़ायरा वसीम की कहानी कह रही है। पिंजरा तोड़कर हमारी बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं, हमारी बेटियां सशक्त हो रही है। इस पर एतराज जताते हुए ज़ायरा वसीम ने गोयल को करारा जवाब दिया और कहा, सर मैं बेहद अदब से कहना चाहती हूं कि मैं आपसे असहमत हूं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझको इस तरह से संबंध नहीं करें। हिजाब में भी महिलाएँ खूबसूरत और आज़ाद हैं। साथ ही इस पेंटिंग में जो कहानी पेश की गई है वह मुझसे लेशमात्र भी संबंधित नहीं है। इस पर विजय गोयल ने ज़ायरा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया है। तो दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम एक बार फिर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभाने के बाद फेम पाई ज़ायरा फेसबुक में माफीनामा लिखकर चर्चा में आई थी। देखते रहिए डीबी लाइव।